हेलो हाउ आर यू गाइस। सो तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्विच। ये देखिए, अगर मैं इसे कांटेक्ट में लाता हूँ तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर मैं इसे दूर ले जाता हूँ तो ये नहीं करेगा। अब ये स्विच बनाने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कनेक्टिंग पिन्स, एक 9 वाट की बैटरी। मैं यहाँ पर 9 वाट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसमें कुछ गड़बड़ी थी जो इसलिए ये चल नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर 9 वाट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 9 वाट की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आपको उसका कनेक्टर भी चाहिए, तो कनेक्टर लेना है उसका। उसके बाद आपको कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। फिर ये रेजिस्टर है। अगर आप 9 वाट की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप रेजिस्टर यूज़ कर रहे हो, वरना आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो मैंने ये बल्ब लिया है, मैंने यहाँ पे मल्टी कलर बल्ब लिया है। आप चाहो तो सिंगल कलर, वाइट, ब्लू, जो भी है वो ले सकते हैं। LED लाइट है ये। उस और एक सेफ्टी पिन जो बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा हमारे सर्किट में, इसी की वजह से हमारी स्विच काम करने वाली है। तो चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने इसी के साथ ये एक कार्डबोर्ड की शीट ली है। आप चाहो तो थर्मोकॉल की शीट ले सकते हो, मतलब ये जाड़ी होनी मोटी होनी चाहिए। ये इतनी ये हनीकॉम वाली शीट है, इसलिए ये थर्मोकॉल के जैसा ही काम करेगी कार्डबोर्ड की शीट। तो मैंने इसे एज अ बेस यूज़ किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये 9 वोल्ट की बैटरी और उसका कनेक्टर। तो इसे हमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। ये बहुत ईजी है कनेक्ट करना। तो ये कनेक्ट हो गया। अब इस बैटरी को मैं यहाँ पर रखता हूँ। ये बैटरी को मैं थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ, वो फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो आप ये वायर से समझ जाएंगे। ओके, तो आपने वैसे भी बैटरी देख ही ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बल्ब हमारे पास है, इसे हमें नेगेटिव पॉइंट जो है, ये छोटी वाली, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटे वाला जो है ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव को, ये ब्लैक भी नेगेटिव है, तो इसको इस साइड रखते हैं कुछ ऐसे, और इसे थोड़ा यहाँ पर हम अंदर डाल देते हैं। तो नीचे के वो जो है वो मुड़ भी सकते हैं ऐसे होल्ड करते वक्त, तो थोड़ा ध्यान रख के इसे अंदर डालना। अब हम ये रेजिस्टर हमें लेना होगा। हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये रेजिस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर एक छेद बनाते हैं रेजिस्टर के लिए। ये रेजिस्टर को अंदर डालना होगा। ये रेजिस्टर के तार बहुत, मतलब वायर जो है वो बहुत पतली होती है, तो इससे हम होल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये पिन है उससे होल कर रहा हूँ रेजिस्टर के लिए। हाँ, तो अब इसे कुछ इस तरह से रेजिस्टर के साथ नीचे कनेक्ट करना है। तो मैं इसको इसके आसपास लपेट देता हूँ ऐसे। अच्छे से, हाँ। और अब इसको अंदर डाल देता हूँ ताकि कनेक्शन लूज ना रहे, और इसको ऐसे हम मोड़ देते हैं। ये हो गया। अब हम एक कनेक्टिंग वायर लेंगे और इसको भी इसके आसपास अच्छे से कर देंगे ऐसे, पूरा राउंड राउंड हो गया। अब
ये बल्ब से थोड़ा दूर छेद कर दिया मैंने गलती से। कोई बात नहीं, हम इसे कर लेंगे। अब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव वाला वायर थोड़ा भी टच हो गया तो आपका ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ठीक तरह से फ्लो नहीं होगा करंट, और हमारा बल्ब नहीं चलेगा, और फिर आप डिफेक्टिव समझ के चले जाओगे बदलवाने। तो अब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं ये बल्ब को चालू करके। तो ये रेजिस्टर लगाना है टेस्ट करने से पहले भी। तो देखो ये बल्ब मेरा चल रहा है। अब हम ये दूसरा जो कनेक्टिंग वायर है उसको हम, ये अच्छे से नहीं लपटा हुआ है। हाँ, अब हम 1 मिनट, ओके। तो अब हम इस वायर को पॉजिटिव टर्मिनल में अटैच करेंगे और इसको भी सेम हम लपेट देंगे आज ऐसे अच्छे से। कोई बात नहीं, वो निकल गया है। इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से अच्छे से लपेट लेते हैं। 1 मिनट, ये लपेटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें। हाँ, तो मैंने इसे अच्छे से लपेट लिया है और इसको मैं वो ज्वाइंट करता हूँ। तो फाइनली जैसे तैसे करके मैंने दोनों टर्मिनल्स को अच्छे से ज्वाइन कर दिया है। अब जो हमने आगे जो छेद किए थे बल्ब के लिए, उस छेद में ये बल्ब को हम डाल देंगे। तो ये चला गया बल्ब में, और ये रेजिस्टर को भी उसके छेद में हम डाल देते हैं, और इसको हम अब इस साइड मोड़ेंगे ताकि ये इस साइड इस रेजिस्टर पूरा इतना खींचे ना और होल में से बाहर ना आए। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि एक पिन लेते हैं। मैं ये वाली पिन लेता हूँ स्टार्टिंग के हिसाब से। तो अभी इस पिन को मैं मतलब, हाँ, उससे पहले इस पिन के अंदर मुझे ये सेफ्टी पिन डालनी है। सेफ्टी पिन का जो ये छोटा सा होल है आपको दिख रहा होगा आई होप, तो इसके अंदर इसको ऐसे डाल देना है ये होल में। देखो ये ऐसे से ज़्यादा हिल निकलेगा नहीं। हाँ, अब इस वायर को भी इसमें लपेटना है अच्छे से। तो मैं इसमें एक छोटा सा होल टाइप बना देता हूँ ताकि ये अच्छे से लपेट जाए। तो ठीक है, अब इस पहले सेफ्टी पिन डालना, नहीं तो लूज कांटेक्ट हो सकता है और कभी कभार नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब इसको ऐसे अंदर, ये दोनों को होल, ये हो गया, दोनों को एक के इस पिन के अंदर डालना है। लगता है कुछ ज़्यादा ही छोटा होल कर दिया, जा ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हाँ चला गया। अरे ये निकल गया, कोई बात नहीं, मैं इसे एडजस्ट करूँगा और फिर नज़दीक में होल बना के इसे कर देंगे। तो फाइनली जैसे तैसे करके इसे मैंने इस पिन में डाल दिया है। अरे यार निकल गया, कोई बात नहीं, वापस से कर देते हैं। मैंने होल को बड़ा बना लिया है। अब हम इसे कार्डबोर्ड पे एक रैंडम जगह जहाँ पर ये नज़दीक पड़े वहाँ पे हम छेद करके इसको अंदर डाल देते हैं कुछ ऐसे। बस इसका ध्यान रखना कि ये सेफ्टी पिन ऐसे ऐसे घूम पाए वरना स्विच नहीं चलेगी। हाँ, अब मैं ये वाली पिन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका टॉप भी मेटल है, तो
इसलिए तो अब मैं इस वायर को इसके ऊपर अच्छे से लपेट लेता हूँ। ऐसे 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 ये हो गया। अब इसके बाजू में थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ पर ये टच कर सके इसे, उतनी दूरी पर इसे मैं डाल देता हूँ, ऐसे होल्ड कर दे के अंदर। तो ये हो गया। अब ये करो तो चलना चाहिए था, क्यों नहीं चल रहा? उप्स, ये वायर तो यहाँ से खुला है, रुको। ओके, तो ये मैंने जोड़ दिया। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ अगर आपने पूरे सर्किट को बनाने में कहीं पे भी कर दी, तो आपका ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। देखो स्विच बन गई, ये बल्ब ग्लो हो रहा है। स्विच ऑन बल्ब ग्लो, स्विच ऑफ बल्ब ग्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।